नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे गंजवा सौदा की, जहां छात्रा के अंकों के साथ ही छेड़खानी। साथ ही बात होगी गिरडी की, जहां पारा 40 के पार को ट्रक चालक झेल नहीं पाया। और अंत में चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां मतदान कर्मियों को भेजने की तैयारी लगभग हुई पूरी। और भी तमाम खबरों पर आइए, करते हैं विस्तार से चर्चा। जरा सोचिए, यदि आप किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों को आपस में उलट दें तो दो अंकों के मान में बड़ा अंतर दिखाई देगा। साथ ही यदि इकाई का एक बड़ा और दहाई का अंक छोटा हो तो उन्हें आपस में बदलने पर बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। यदि आज अंकों के आधार पर ही प्रतिभा का आकलन किया जा रहा हो तो प्रतिभाशाली व्यक्ति निम्न दर्जे का हो जाता है। कुछ इसी तरह का मामला स्थानीय सेंट एसआरएस पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा सुरभि रघुवंशी, पुत्री विजय रघुवंशी के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में देखने को मिला। सुरभि ने आर्ट्स विषय में परीक्षा दी थी, जहां उसे 80 पूर्णांक में से अंग्रेजी में 75, हिंदी में 75, राजनीति में 72, इतिहास में 73 अंक डिक्टेशन प्राप्त हुए। वहीं अर्थशास्त्र में मात्र 47 अंक ही दर्शाए गए। विद्यालय परिवार द्वारा उक्त अंकों पर अपनी असंतुष्टि जाहिर की गई थी कि सुरभि के साथ ऐसा नहीं हो सकता, उसके अंक दर्शाए गए अंकों से कहीं ज़्यादा होंगे। उन्हें सुरभि रघुवंशी का प्रदेश की मेरिट में आने का विश्वास था। विद्यालय एवं अभिभावक ने छात्रा के विश्वासपूर्ण आग्रह पर अर्थशास्त्र की कॉपी निकलवाई तो मूल्यांकनकर्ता द्वारा कॉपी पर 74 अंक दिए गए थे, लेकिन कंप्यूटर की अंक तालिका में अंक दर्ज करते समय 74 के स्थान पर 47 अंक अंकित कर दिए गए। इस प्रकार उसके अंक सूची में 27 अंक कम दर्ज किए गए, जिससे प्रतिभाशाली मेरिट सूची की दावेदार सुरभि रघुवंशी को न केवल मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा बल्कि जिला स्तरीय मेरिट में मिलने वाले प्रथम स्थान से भी वंचित होना पड़ा। कॉपी निकलवाने पर सुधार हुआ, लेकिन इतने दिनों तक छात्र को मानसिक पीड़ा जरूर भुगतनी पड़ी। छात्रा सुरभि ने बताया कि उसे पूरा विश्वास था कि उसको दिए गए अंक गलत हैं, इसी कारण कॉपी निकलवाने से स्थिति साफ हो गई है। कैसा रहा, यानी आपका जो 47 नंबर आए थे, होना 74 थे, कैसे क्या आपने इसको संभाला अपने आप को? जब मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा था। टीचर्स का भी फुल सपोर्ट था, जब जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन टीचर्स का भी कॉल आया, उन्हें भी बहुत बुरा लगा। फिर सारे टीचर्स ने ऐसा ही कहा कि 47 मार्क्स नहीं हो सकते हैं। तो जब रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया तो देखा कि 74 मार्क्स ही थे, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन उस दिन जब फाइनली रीचेकिंग का रिजल्ट आया उस दिन देखा कि 74 मार्क्स ही थे। टीचर्स का भी फुल सपोर्ट रहा है, और जिसकी भी ये गलती है, जिसने मेरे 74 के 47 मार्क्स किए हैं, उस पर कार्रवाई भी की जाए जी, ताकि आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो। ठीक है। आपके स्कूल की छात्रा एक जो 12th का रिजल्ट आया था उसमें उसके 47 मार्क्स आए थे, पर जब कॉपी आई तो 74 मार्क्स हुए, कैसे क्या आपने करा? आदरणीय नमस्कार, मैं यहाँ बात क्लियर ये करना चाहूँगा, शुरू से ही बच्ची प्रतिभाशाली रही है और मुझे इसका पूरा विश्वास था कि ये कम से कम प्रदेश में अपना स्थान बनाएगी। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन अन्य विषय में 95, 94, 93 ऐसे थे, किंतु अर्थशास्त्र में जहाँ 67 नंबर थे तो मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ। मेरी बच्ची से भी बात हुई, मैंने बेटा ये आपका यहाँ जो 67 नंबर दे रहे हैं उसमें 20 नंबर तो प्रोजेक्ट के हैं, किंतु 47 नंबर आपके इसमें वो हैं, तो 47 की जगह आपके 74 होंगे। और जब कापी जब दोबारा आई तो उसमें हमने देखा जो हमारा संदेह था वो पूरा हुआ, उसमें वो बच्ची 74 ही उसके मार्क्स थे। और किंतु बड़ा बच्ची को भी उस दिन बहुत लगा तो हमें भी लगा था, क्योंकि 74 पे अगर 47 हो जाए तो बच्चे के पर क्या गुजरती है, उसने खाना भी नहीं खाया था। मैंने काफ़ी समझाया था और काफ़ी था कि बेटा तुम्हारा 100% मेरिट में ही है, थोड़ा सा वेट करो। और जब इंतजार किया तो आज वो जिले की प्रथम पोजीशन पर है। और मेरी ये चाहता हूँ भविष्य में इसी प्रकार की और बच्चों के साथ में इस प्रकार का न हो, तो जो दोषी हैं उन पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो वरिष्ठ अधिकारी उन पर कार्रवाई करें। तो एक आपने और बताया था कि कॉपी आपने जब देखी तो उसमें 74 की जगह 47 हुआ। गंज बासौदा से सीनियर संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गाजीपुर रोड शो कार्यक्रम में
उमड़ा जनसैलाब। तो वहीं रोड शो के दौरान गाड़ी पर गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गाजीपुर के भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगा। तो वहीं गृह मंत्री का जगह जगह फूल मालाओं की वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। रोड शो के दौरान लोगों द्वारा भारत माता की जय तथा 400 पार के नारे लगाए जा रहे थे। इस दौरान युवा, बच्चे, पुरुष, महिलाएं साथ साथ उत्साह के साथ नारे लगाते हुए चल रहे थे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। सबसे ज्यादा मौसम का असर गिरिडीह के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां से आज एक मामला आया कि गिरिडीह की लौ कारखाना क्षेत्र में स्थित चाइना प्लांट फैक्ट्री की जो अपने ट्रक को अनलोडिंग करवाते समय ट्रक चालक ग्रस्त खाकर गिर पड़े। फैक्ट्री के मजदूर व कर्मियों ने फैक्ट्री के संचालक व प्रबंधक को इस घटना की सूचना दी, जिस पर संचालक के द्वारा महतोडी पुलिस पिकेट को बताया। इसके उपरांत फैक्ट्री के कर्मी व पुलिस की मौजूदगी में ट्रक चालक को गिरिडीह की नवजीवन नर्सिंग होम इलाज हेतु लाया गया और चालक के परिजन को इसकी सूचना दी गई। इसी दरमियान इलाज के लिए आए चिकित्सकों ने चालक की जाँच कर मृत्यु की पुष्टि कर दी। दूसरी ओर खबर बनाए जाने तक गिरिडीह मुफस्सिल पुलिस व महतोडी पिकेट पुलिस के द्वारा पंचनामा की तैयारी की जा रही थी। वहीं गिरिडीह निवासी ट्रक चालक के रिश्तेदारों ने बताया कि ट्रक चालक का नाम लमाऊ इनामुल हक, निवासी ग्राम करमंडी, बीगा जिला कोडरमा और उम्र लगभग 45 से ऊपर बताई। नाम क्या हुआ? मोहम्मद फैजान। और जो मृतक हैं वो आपके कौन लगे? वो मामा लगे। अच्छा, क्या हुआ था, घटना के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, कॉल आया घर से, वो गाड़ी से आए थे उड़ीसा से माल लेके। अच्छा, तो मतलब उल्लू है ना, गर्मी चल रहा है, गर्मी कारण गाड़ी प्लांट में घुस ही रहा था, घोषणा में बेहोश हो गया। अच्छा, गाड़ी ये खुद चला रहे थे क्या? जी जी। अच्छा, और ये कितने बजे की घटना है? ये कुछ 2 बजे के। 2 बजे। और आप लोग हॉस्पिटल कब आए इनको लेके? बस ये हॉस्पिटल आए हैं, हम लोग नहीं आए, वहीं से प्लांट वाले लोग आए। अच्छा, प्लांट वाले लोग लेके आए। और इनका नाम क्या हो गया? इनका नाम हो गया मोहम्मद निश्कर। एज कितना होगा? एज वही 45। जी बताइए, क्या सूचना मिला आप लोगों को? घर से फोन आया, सूचना यही मिली है कि इनकी तबीयत खराब है और ये अभी प्लांट के पास गाड़ी इनकी लगी हुई है। उसके बाद हम लोग वहाँ से जैसे ही चले आए तो मालूम हुआ कुछ देर के बाद ये नौजवान हॉस्पिटल में लेके चले आए। सडन इनका डेथ हो गया, जब यहाँ हम आए तो सडन इनका देखे। इनका क्या नाम है मृतक का? इनका नाम है इनामुल हक। अच्छा, और ये रहने वाले? नाम है ऐसे जावेद, मतलब रहने वाले हैं बीघा के, कोडरमा के करीब एक जगह है करमंडी बीघा। अच्छा, गांव है, उसी गांव के ये रहने वाले। तो ये कहाँ पे कार्यरत थे, कहाँ काम करते थे? काम नहीं, ये गाड़ी की खुद ऑनर है, ट्रक के खुद ऑनर है। अच्छा, तो ये चलाते थे? कहाँ पे चलाते थे? चलाते थे ना, यही अपना लोड करके ले जाते थे, लाते थे आयरन वगैरह या क्या उधर से अपना जो भी गाड़ी लेकर। तो इनकी तबीयत कहाँ पे बिगड़ी? बस वहीं डायरेक्ट प्लांट ही के पास, गाड़ी ही में। कौन से प्लांट ये हमको नहीं मालूम है पूरे डिटेल की, कौन से प्लांट है, लेकिन प्लांट वही उसी रोड में गाड़ी लगी हुई थी। जा रहे हम जाते देख। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बक्सर लोकसभा के रामगढ़ के हाई स्कूल के मैदान में बढ़ती गर्मी के पारे को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित सभा ने राजनीति तापमान को बढ़ा दिया, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इंडी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों की जमात बताते हुए कहा, भारत को सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त ने भारत को सोने की चिड़िया कहा था, उसको पहले अंग्रेजों ने लूटा और 60 सालों तक कांग्रेस ने लूटकर खोखला कर डाला। उस भारत को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में नरेंद्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को 12 नंबर से हटाकर और ब्रिटेन को हराकर 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया है। मौके पर नमो रनायन चतुर्वेदी, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, रामगढ़ मंडल अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह, नुआव मंडल अध्यक्ष संदेश चौधरी, दुर्गावती मंडल अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा रहे। सभा की अध्यक्षता कैमूर जिला भाजपा अध्यक्ष मनोज जायसवाल और संचालन राजीव श्रीवास्तव ने किया। और जिस अंग्रेजों ने भारत को 200 वर्षों तक भारत को लूटा, उसी अंग्रेजों को मोदी जी के शासनकाल में ऐसा आर्थिक स्थिति हमारा खड़ा हुआ
कि हम बाहर में स्थान पर आपकी व्यवस्था में खड़ा थे, उसी अंग्रेज को हरा कर हम दुनिया के पांचवें स्थान पर खड़ा हो गए। साथियों, आप जाते हो के गांव में एनडीए के साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव सातवें व अंतिम चरण में होने वाले मतदान में राजमहल लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होनी है। पाकुड़ व साहिबगंज इन दो जिलों में मतदान होने हैं, जिसको लेकर प्रशासन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मतदान दलों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था में पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से कुल 211 बस पाकुड़ जिले में लाई गई हैं। लोकसभा क्षेत्र के मतदाता एवं मतदान केंद्र हैं, जिसको लेकर प्रशासन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। राजमहल लोकसभा चुनाव के लिए महेशपुर विधानसभा क्षेत्र जाने बस पड़ाव पर मुख्य व्यवस्थापक के रूप में MBI सुदीप कुजूर, अमित कुमार, गौतम वर्मा व पाकुड़ लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान कर्मियों को जाने के लिए बस पड़ाव में व्यवस्थापक मनोज मनोहर मौजूद देखे गए। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। महाराजगंज भदोई में चलती कंटेनर ट्रक में आग लग गई। औराई कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज बाजार के समीप दुखरन महाराजगंज GT रोड पर बृहस्पतिवार शाम 5:30 बजे के करीब इलाहाबाद से वाराणसी की तरफ जा रही कंटेनर ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे कंटेनर ट्रक का आगे का हिस्सा जलने लगा। ट्रक ड्राइवर की सक्रियता के चलते गाड़ी खड़ी करके वह नीचे उतर गया। ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों और औराई कोतवाली पुलिस के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। चिलचिलाती धूप के चलते एकाएक गाड़ी में आग लग गई, जो आगे का हिस्सा पूरी तरह से जल गया। बता दें कि फिरोजाबाद से कोलकाता जा रही कंटेनर काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भदोई से सीनू संवाददाता सुनील दुबे की रिपोर्ट। बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद निरंजन ने मंगलवार को जिलाधिकारी को संबोधित एक पत्र उपजिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह को सौंपते हुए बताया कि जिला जजी उरई की महिला अधिवक्ता सुमन गौतम के प्रकरण में थाना 8 में अपनी मां के विरुद्ध दर्ज मामले में गई थी, जिसमें थाना अध्यक्ष ने महिला अधिवक्ता के साथ अभद्रता एवं दुर्व्यवहार करते हुए प्रताड़ित करने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो थानाध्यक्ष ने उन्हें व उनकी माँ को पूरी रात थाने के अंदर बैठाए रखा और उत्पीड़न व प्रताड़ित किया। सुबह आकर जिला जजी उरई में सभी अधिवक्ताओं एवं जिला बार को अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना को बताया, जिस पर जिला बार एसोसिएशन ने घोर निंदा की तथा बार एसोसिएशन कोच भी थाना अध्यक्ष 8 के उक्त कृत्यों की घोर निंदा व भत्सना करता है और जिलाधिकारी से महिला अधिवक्ता के साथ थाना अध्यक्ष 8 ने जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए थाना अध्यक्ष के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर थाना 8 से स्थानांतरण किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। हमारे अध्यक्ष ने SDM से मांग करते हुए कहा कि हमारा मांग पत्र जिलाधिकारी को भेजा जाए तथा थाना अध्यक्ष 8 के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर स्थानांतरण किया जाए। मामले को लेकर आपने ज्ञापन दिया है। हमारी जिलावार की महिला अधिवक्ता श्रीमती सुमन गौतम इस प्रकरण में थाना 8 में थाना अध्यक्ष से मिलने गई थी। उस प्रकरण में वाद विवाद हो गया तो थाना अध्यक्ष 8 ने उनको रात भर बंधक बना के बैठाए रखा, उनका उत्पीड़न किया, उनको प्रताड़ित किया और उनके साथ अभद्रता की, अमानवीय व्यवहार किया, जिसकी बारिश सन पहुँच घोर निंदा करती है, घोषणा करती है। और इस स्थिति में वो आई 27 तारीख को जिलावार में अपनी बात उन्होंने रखी तो असमान स्थिति में आई थी। तो जिला बारों जब वो आए तो सबने जो उनकी स्थिति देखी तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनकी बात को सुना और कल ही अपर पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया था जिला बार ने और उनके ही आह्वान पर आज पूरा जिला भर है। और माननीय जो है SDM साहब महोदय को हमने जिलाधिकारी की उनके माध्यम से SDM साहब के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि जो है दोषी जो थाना अध्यक्ष है उनके विरुद्ध FIR की जाए 8 के विरुद्ध और थाना 8 से उनका स्थानांतरण। क्या तारीख की ये घटना जो महिला जो है उन्होंने 26 और 27 की रात में रखी, 26 की रात रखी रहे, 27 को सुबह छोड़ा। अधिकारियों द्वारा किस तरीके से आपको आश्वासन दिया गया है, क्या अधिकारियों ने कहा है कि आवश्यक कार्रवाई करें। जालौन से सीनियर संवाददाता महेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट।
एक जून को सासाराम संसदीय क्षेत्र में सातवें चरण में चुनाव होना है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने आ रहे हैं और जनसभा कर अपने प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट देकर जिताने की अपील कर रहे हैं। इसी दौरान बक्सर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे रामगढ़। बता दें कि कैमूर जिला का रामगढ़ लोकसभा क्षेत्र बक्सर में आता है, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और राजीव प्रताप रूड़ी रामगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए दिल्ली सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हम भी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जो दूसरे लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो किसको चुनाव जिताने के लिए लड़ रहे हैं, जो कि उनसे पूछना चाहिए। ना वो लोग चुनाव जीतने के लिए, ना ही भारत को हराने के लिए लड़ रहे हैं। जहां एक अकेला नरेंद्र मोदी भारत को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहा है और एक अकेला नरेंद्र मोदी खड़ा है भारत के गरीबों को जिताने को। मिले जा रहा ओकरा में मिथिलेश तिवारी वाला कमल बक्सर लोकसभा से सबसे ऊपर रही, ऐसा हमारा विश्वास बाटे रहे। हम हूं चुनाव लड़ी, लेकिन आप लोग याद रखो, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ा तड़े, लेकिन जो दूसरे लोग लड़ा था ओकरा से पूछो कि तू के करा के जितावे खातिर लड़ा तड़ा, पूछे के चाहिए ना। वो कहेंगे हम जिताने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तो केवल भारत को हराने के लिए लड़ रहे हैं। भारत जिताने के लिए एक अकेला मोदी खड़ा है, भारत देश जिताने को एक अकेला मोदी खड़ा है, भारत के गरीबों को जिताने को बाकी सारे विपक्षी लगे हुए हैं, केवल मोदी को हराने को। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।